अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक टिप एंड ट्रिक्स जो आप लोगों के बहुत सारे बालों के मसले हल कर देगा। जो बालों की जो सफ़ेदपन होता है और जो बालों के अंदर रूखापन और ड्राईपन होता है और ये बालों के अंदर जो वाइट हमारे बाल हो जाते हैं तो ये हमारे बालों को खूबसूरत लंबा और काला कर देगा। कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप ख़ुद बोलेंगे क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है इसका। तो फिर आप लोग इस ट्राई करें इसको। तो ये हम मैंने एक पत्ती ले ली थी, चाय की पत्ती जो हमारे घर में सबके पास ही होती है अमूमन, और बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। अगर इसको हम अपने तरीके से इस्तेमाल करें या हम आप मेरी ट्रिक्स के ज़रिए इसको यूज़ करें तो बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो ये पत्ती ली थी मैंने, इसमें एक इतने पानी में मैंने एक गिलास भर के मैंने पानी लिया और उसके अंदर मैंने एक टेबल स्पून पत्ती को भिगो के रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चाहे तो आधा घंटा ही भिगो दें। तो इसको फिर आप पत्ती को मतलब कावे को पका लें, जो पत्ती को अच्छी तरीके से पका के उसको इतना पकाएं कि थोड़ा सा इसका अच्छी तरह से इसका अर्क निकल जाए और पत्ती का एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो इसको हम एक बॉल में छान लेंगे, छन्नी की मदद से, और सारा जितना भी हमारा कावा है चाय की पत्ती का कावा उसको पूरा ड्रेन कर लेंगे। कि ये बहुत हमारे काम आने वाली चीज़ है और मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसके इससे एक VIP सा शैम्पू बना के दिखाऊंगी जो बहुत हमारे काम आएगा और बालों के अंदर शाइनिंग और ज़बरदस्त से हमारी चमक बालों में आ जाएगी बहुत ही अच्छी। कि अगर हमें कहीं शादी में किसी इवेंट पे जाना है तो हमारे बालों में आप बाल धोने से तकरीबन 2 घंटे तैयार होने से 2 घंटे पहले आप रिवॉल्व वॉश कर लें तो हमारे बालों के अंदर इतनी अच्छी सी चमक आ जाएगी। और ऐसा ज़बरदस्त ये नुस्खा है, इतनी ज़बरदस्त ये टिप्स है। तो इसमें आप कोई सा भी आपके घर में जो भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो वो आप यूज़ कर लें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें जितना। तो ये मैंने इसके अंदर अपने हिसाब से 1 टेबल स्पून जितना शैम्पू शामिल करा है। और इसके अंदर आप मज़ीद अपने बालों में चमक और खुश्की से निजात चाहते हैं तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें जो भरपूर हमारे बालों में एक कंडीशनर की तौर पर चमक और देगा ताकि हमारे बाल सॉफ्ट एंड स्मूथ रहें। तो ये एक बार इस्तेमाल करने से नहीं, तकरीबन आप 1 हफ्ता यूज़ करें इसको डेली और फिर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मेरी ट्रिक्स, कैसी लगी। तो लाजमी आप लोग ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे नए देखने वाले हैं तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर आऊँगी और जो हेल्पफुल हो, यूज़ेबल हो, जो हम यूज़ कर सकें, हमारे पैसे बच सकें। तो चलिए इसका इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाती हूँ और ये अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी एलोवेरा जेल को भी। तो इसको मैं आपको इस्तेमाल भी करके दिखाती हूँ ताकि मैं जो भी रेमेडी बनाऊँगी तो आप अपने ऊपर पहले इस्तेमाल करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कितने अच्छे हो जाते हैं बाल हमारे। और जिनके सफ़ेद बाल हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये, क्योंकि जो पत्ती का जो कलर है वो हमारे बालों को चढ़ेगा। ऐसी बात है, जब हम इसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो ये बार बार हमारे बालों पे चढ़ता रहेगा और हमें बहुत अच्छा इफेक्ट देगा और हमारे बाल लंबे और शाइनिंग, जैसे आप कुछ ही दिनों में देखिएगा आपके बाल कितने लंबे हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैं बस अच्छी तरीके से, आप पहले बालों को गीला कर लें बहुत ही ज़्यादा और बिल्कुल गीले हो जाएं, उसके बाद आप ये शैम्पू अप्लाई करें। आपको दिख रहा होगा कि प्याली में जो रखा हुआ था मैंने बनाया है, मैंने वही इस्तेमाल किया है और फिर देखें आप बालों पर शाइनिंग कितनी ज़बरदस्त, कितने अच्छे और चमकदार बाल लग रहे हैं हमारे। कि हमारी जो जड़ें हैं वो भी बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, साफ़ हो गई हैं और खुश्की से भी बिल्कुल हमें निजात मिल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो हो सके तो आप मेरी ये ट्रिप हेयर ड्रेसेस को आप सुखा सकते हैं बालों को जल्दी से। तो बस मुझे मेरा दिखाने का मकसद ये था कि देखें ये ट्रिक बहुत काम आने वाली चीज़। तो मेरी ट्रिक पसंद आई तो मुझे मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।